नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशे पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 160 किलो चरस, जिसकी कीमत 16 करोड़ से भी ज्यादा है, उसे जला दिया। साथ ही 120 भांग के पौधे, 80 अफीम के पौधे भी जलाकर खाक कर दिए। ये सारी कार्रवाई कुल्लू में DGP संजय कुंडू की निगरानी में की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिस भांग को जलाया है वो हाई क्वालिटी की चरस थी और इसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 10 लाख रुपए प्रति किलो कीमत है। उन्होंने कहा कि कुल्लू चरस की खेती और प्राकृतिक रूप से उगने वाली चरस के लिए अति संवेदनशील है। टोटल 160 किलो 50 ग्राम कैनबिस यानी कि हाई क्वालिटी चरस कुल्लू जिला चरस के लिए पूरी दुनिया में माना जाता है। 120 कैनबिस प्लांट्स और 80 ओपियम प्लांट्स आज आपके सामने हमने डिस्ट्रॉय किए हैं और उनको आज हमने स्वाहा किया है। देखिए, आप जानते हैं कि कुल्लू की जो भूमि है इससे नेचुरल बहुत अच्छा चरस उगता है और जो चरस है इसकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में करीब 10 लाख पर किलो है। तो आज आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हमने 16 करोड़ से अधिक की वैल्यू की जो चरस है आपके सामने स्वाहा की है। और हमारा उद्देश्य है जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स। हम ये चाहते हैं कि ड्रग्स पकड़े भी जाएं और ड्रग्स के जो धंधे कर रहे हैं उनको सजा हो और ड्रग्स जो हम सीजर करते हैं उसके बाद उसका मिसयूज ना हो, वो डिस्ट्रॉय भी हो। आज उसी क्रम में जो आखिरी काम है हमारा कि ड्रग्स को हमने आपके सामने डिस्ट्रॉय किया, मुझे बड़ी खुशी है। मैं कुल्लू पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। बता दें कि कार्रवाई के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक मधुसूदन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद, पुलिस उपाधीक्षक मोहन रावत और नार्कोटिक्स विभाग के उपाधीक्षक ऐश्वर्य गुप्ता मौजूद रहे। पुलिस ने विभिन्न थानों से 43 मामलों में ये चरस बरामद की है। पहले पुलिस चरस को पुलिस लाइन में खुले में जलाती थी, लेकिन इस बार इसे उच्च तापमान वाले बॉयलरों में जलाया गया है। खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।